नेता श्रेया पाठक। गुजरात सरकार ने यह साफ कर दिया कि वो आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में अनिवार्य मतदान का नियम लागू करेगी। जो लोग वोट नहीं डालेंगे सरकार उनके खिलाफ भी नियम बनाएगी। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या गुजरात सरकार का ये कदम लोकतंत्र की हत्या है। आज हम अपने खास कार्यक्रम वंदे मातरम पर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस खास चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जगदीश मुखी जी, बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ होंगे विदित चौधरी जी और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ होंगे मोहन बाबू अग्रवाल। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में हमारे चैनल के रेसिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी, जो भी संविधान का बहुत अच्छे से ज्ञान रखते हैं। हम हर किसी से हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं सभी मेहमानों के साथ अपने वंदे मातरम की शुरुआत। गुजरात में अनिवार्य होगी वोटिंग। अक्टूबर में होने वाले निकाय चुनाव में किया जाएगा अनिवार्य। मतदान ना करने वालों के लिए भी बनाए जाएंगे कानून। गुजरात में ये कैसा लोकतंत्र? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि मतदान अनिवार्य हो। उन्होंने साल 2009 में मुख्यमंत्री रहते हुए इस विधेयक को पारित भी करवाया और अब इसका पहला प्रयोग होगा गुजरात में। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकतंत्र के इतिहास में गुजरात एक नए प्रयोग का साक्षी होने जा रहा है। सितंबर अक्टूबर 2015 में होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान अनिवार्य किया जा रहा है। गुजरात विधानसभा से पारित इस आशय के विधेयक को नवंबर 2014 में ही राज्यपाल ओपी कोहली ने मंजूरी दे दी थी। इस विधेयक को इससे पहले 2009 में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने भी विधानसभा से पास कराया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल ने इसे मंजूर नहीं किया था। गुजरात के निकाय चुनाव में इसे प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। अनिवार्य वोटिंग के लिए जो कानून बनाया जा रहा है उसमें वोट नहीं करने वालों पर 100 से 300 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहली बार वोट नहीं डालने वालों को 100 रुपए और दूसरी और तीसरी बार अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने वालों को क्रमशः 200 और 300 रुपए का जुर्माना देना होगा, लेकिन वोट नहीं डालने के संतोषजनक कारण बताने वालों को जुर्माने से राहत देने का प्रावधान भी है। एक दो दिनों में शहरी विकास विभाग एवं पंचायत विभाग की ओर से इस आशय की अधिसूचना जारी हो सकती है। अनिवार्य मतदान को लागू करने से पहले सरकार ने वैसे हर पहलू पर विचार किया है जिससे जनता में रोष न फैले और वो इसे थोपा हुआ महसूस न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। तो अब गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्थानीय नगर निकाय चुनावों में वोटिंग अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि इस कानून के मुताबिक अगर आप वोटिंग नहीं करते हैं तो आपको सजा हो सकती है, बल्कि जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सरकार का ये कदम कितना जायज है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे बीजेपी के नेता जगदीश मुखी जी से। जगदीश जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप समझाएं कि आखिरकार क्या जरूरत थी इस कानून को लागू करने की। देखिए, हमारे संविधान ने ये हमें बहुत से अधिकार दिए हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा अधिकार है ये, हर एडल्ट को वोट देने का जो अधिकार दिया है बहुत बड़ा अधिकार है। देश की डेस्टिनी बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए आपको अधिकार प्राप्त है और इसकी हम बहुत तारीफ करते हैं सभी लोग। बहुत बड़ा अधिकार है, सबको अधिकार है, हर 18 वर्ष के व्यक्ति को अधिकार है। किंतु आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमारी वोट परसेंटेज 40% तक, 30% तक, 35% पे सरकारें बनती रही हैं, जो एक प्रजातंत्र के साथ एक मजाक था। मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों बहुत अच्छे कंपेन चला करके जो एक भावना जागृत की है यूथ के अंदर, महिलाओं के अंदर, कि आपको वोट डालना चाहिए, उसके अच्छे परिणाम आए हैं। और पिछले चुनावों के अंदर आपने देखा होगा वोट परसेंटेज पहले की तुलना में पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के अंदर काफी बड़ी मात्रा के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूं। किंतु जो गुजरात ने यह पहला कदम उठाया है, ऐतिहासिक कदम उठाया है, यह भी एक स्वागत योग्य है। इसमें अलग अलग मत आ सकते हैं, किंतु मैं समझता हूं जब आपको अधिकार है, आपको उस दिन के लिए छुट्टी घोषित की जाती है और आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी कंपनी में कर्मचारी हैं, आप छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं किंतु वोट डालने नहीं जा रहे हैं,
तो ये भी एक मजाक है प्रजातंत्र के साथ। इसलिए इसे कंपलसरी किया जा रहा है वहां पर निकाय के चुनाव के अंदर, ये पहला एक्सपेरिमेंट होगा। और ये कंपलसरी का मतलब ये नहीं कि आपको कहीं जेल भेजा जा रहा है, वो आपको एक इंसेंटिव दे करके ये बता करके आपको डालना चाहिए, नहीं तो 100 रुपए जुर्माना होगा आपके ऊपर, ये इस बात के लिए। और साथ में ये भी है व्यवस्थाएं की जा रही है, केवल मात्र जुर्माना दे रहे हो ऐसा नहीं है। तो पहले यदि आपको कोई वास्तव में जेन्युइन रीजन है वोट में डालने के लिए नहीं आ सके हैं। जगदीश जी, सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पर कि अगर इसमें कुछ गलत नहीं था तो क्यों राज्यपाल ने इसे 2 बार वापस कर दिया? जी नहीं, मत अलग अलग हो सकते हैं। मैं राज्यपाल महोदया जो जिन्होंने वापस किया था उनका अपना मत होगा, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि उनका मत जो था वो ठीक ही था। जगदीश मुखी जी, एक सवाल यहाँ खड़ा होता। अभी आपने कहा कि चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया, कैंपेन की, और कैंपेन से जो है काफी फायदा हुआ, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े। जब चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है, कैंपेन से फायदा भी हो रहा है, तो फिर ये अनिवार्यता थोपने की क्या जरूरत थी? अगर आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग प्रयास कर रही है और उसका फायदा भी हो रहा है जैसा कि आप ही बता रहे हैं, तो फिर ये थोपने की क्या जरूरत है? क्या ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है? हमारे साथ जगदीश मुखी जी आपसे और भी सवाल करेंगे। अभी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के मोहनलाल अग्रवाल जी हैं, वो भी कुछ बताएंगे, उसके बाद और भी सवाल पूछेंगे मैं आपसे। जी अग्रवाल जी, बताएं क्या आपको लग रहा है ये मौलिक जो अधिकार है, राइट टू लिव या राइट टू लिबर्टी जो है, राइट टू फ्रीडम जो है, क्या आपको लगता है ये इसका उल्लंघन है? इसका बिल्कुल उल्लंघन है। हमारे संविधान में कोई भी ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं की गई है। अभी माननीय मुखी जी ने ये बोला कि ये अधिकार दिया गया वोट का हमें, वो मताधिकार हम बोलते हैं जिसको, वोट का अधिकार है हमारा, अगर हमारी मर्जी है हम उसको यूज करें या ना करें। सरकार इस पर कंपल्सन नहीं कर सकती कि आप वोट को देने आपको जाने ही है, और उसके बाद उन्होंने एक प्रोसीजर ये किया है कि 100 रुपए से 300 रुपए तक जुर्माना लगेगा। तो ये ड्यूटी नहीं है हमारी, देश के प्रति ड्यूटी नहीं है, ये केवल एक हमारा मौलिक अधिकार का हनन भी है कि हमें जो अधिकार दिया गया है कोई जरूरी नहीं है कि हम उस अपने अधिकार को यूज करें या ना करें। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बृहद इसमें 11 जजेस की बेंच ने केशवानंद भारती के केस में बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं मौलिक अधिकार के बारे में, राइट ड्यूटी के बारे में और राइट्स के बारे में, लेकिन इसमें संविधान में कोई भी ऐसी चीज नहीं दी गई है कि कंपल्सन आपको किया जा सकता है कि आप इसको यूज करेंगे ही। जी बिल्कुल, जगदीश मुखी जी बताएं, जब संविधान नहीं कहता है आप किसी को कंपल्सन आप नहीं कर सकते, आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते वोट डालने के लिए, तो फिर इस तरह की बात की। और एक सवाल और कि आप ही जो आपके राज्यपाल हैं कर्नाटक में, आप ही की पार्टी के हैं, गुजरात के हैं वित्त मंत्री, उन्होंने जब कर्नाटक विधानसभा ने जब पास करके दिया तो उन्होंने वहां पर इसे रोक दिया, लेकिन आप गुजरात में इसे लागू कर रहे हैं। देखिए वकील साहब ने जो अभी बात की है, ये हमारे पास अधिकार है, हमें अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप उसको कह रहे हैं कि हमारा मौलिक अधिकार हम इस्तेमाल करें या ना करें। यदि आपको ये अधिकार ना दिया जाता वोट डालने का तो आपको आपत्ति होनी चाहिए थी। आज आपको अधिकार दिया, आप अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसी के लिए कानून बनाया जा रहा है। आप नहीं चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति की भागीदारी हो सरकार बनाने के अंदर। मैं समझता हूं उस डायरेक्शन के अंदर एक बहुत ऐतिहासिक कदम है कि सभी लोग सरकार की बनाने के अंदर अपनी भागीदारी का इस्तेमाल करें, इस पर्पस के लिए ये किया जा रहा है। इसमें कोई मैं नहीं समझता किसी तरह की आपत्तिजनक बात है। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं हर हमारे नागरिक को जिनको वोट देने का अधिकार है 18 साल के हैं उनको निश्चित रूप से अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि सरकार ऐसा कानून बनाती है कि आप उसके लिए आफ्टर सरकार आपको छुट्टी देती है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपकी इच्छा वोट डाले नहीं जाते, किस बात के लिए छुट्टी देते हैं फिर आपको? इसलिए मैं महसूस करता हूं जहां इंसेंटिव हम देते रहे आज तक इस बात के लिए कि आप वोट डालने के लिए आए, आज ये डिसइंसेंटिव भी इस एक्ट के माध्यम से देने के लिए कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। जी, विदित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस इसका कड़ा विरोध कर रही है। आपको क्या लगता है अगर ये लागू होता है तो किस तरह की समस्या हो सकती है और बीजेपी की क्या मंशा हो सकती है इसे लागू करने के पीछे? सबसे पहले तो मैं आज इस न्यूज चैनल के माध्यम से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी को नमन करना चाहता हूँ। एक युवा होने के नाते जिन्होंने युवाओं को 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार दिया। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताजी को सुन रहा था और बार बार वो 18 साल की बात
कर रहे थे कि 18 साल के युवाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, ये उसी पार्टी को फॉलो करते हैं जिस पार्टी का सबसे बड़ा विरोध जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव जी ने 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया था तो सबसे पहले विरोध इन्हीं के पार्टियों के शीर्षक नेताओं ने उसका किया था और बोला था कि ये तो बंदर के हाथ में माचिस देने का कार्य किया जाता है। आज इनको याद आया कि हाँ 18 साल के युवाओं को जो वोट देने का अधिकार दिया उससे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कितना फायदा हुआ। जिस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने चाहते हैं और अधिकारों को थोपना चाहते हैं, हम इसका घोर शब्दों में विरोध करते हैं। और ये अभी जो पीछे की सरकार थी उन्होंने नोटा का प्रयोग किया था, वोटिंग मशीन में भी नोटा का प्रयोग है कि कोई स्वेच्छा के अनुसार यदि किसी कैंडिडेट को पसंद नहीं करता तो वो अपना वोट दे, और इलेक्शन कमीशन प्रेरित कर रहा लोगों को, और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से कंप्लेन किया उसमें पिछले चुनावों में आपने देखा होगा कि वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन आप कैसे थोप सकते हो किसी आदमी को कि आपको अनिवार्य वोट करना है। और एक बात मैं आपसे यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि गुजरात में ये लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, इनके पंचायतों के चुनावों में बहुत बुरी स्थिति है गुजरात के अंदर, जिस तरीके इन्होंने वार्डों का परिसीमन वहां पर किया है, जिस तरीके से इन्होंने वहां डिलिमिटेशन करके वार्डों को छंद विछंद किया है, ये वहां पर पंचायत चुनावों को लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए नई नई स्कीमें लेके आ रहे हैं। राज्यपाल पहले दो बार इसको कैंसिल कर चुके थे लेकिन इनकी सरकार आने के बाद में दबाव के कारण इन्होंने विधानसभा से वो चीज पास करा ली। पंचायत चुनावों में इनकी बुरी स्थिति वहां पर होने वाली है, इस तरीके से नहीं लगता छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। विजय जी, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से विरोध करने के बजाय इसके जनता के हवाले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जनता यदि इसे पसंद नहीं करेगी तो चुनाव में रिजेक्ट भी कर सकती है इसे। जनता मान लीजिए सरकार की अपील के बाद भी और जुर्माने लगाने के बाद भी अगर वोट करने नहीं आती है या गुजरात के निकाय चुनाव में वोट परसेंटेज नहीं बढ़ता है तो ये तो एक प्रयोग के तौर पे देखा जा रहा है इसे, और लोकतंत्र में तो प्रयोग करते रहना चाहिए। जिस तरीके से गुजरात में पिछले 10 सालों से वोटरों को डराकर, एक कम्युनिटी के लोगों को डराकर जिस तरीके से चुनावों में वहां पर नहीं तो आरएसएस काम करती है केंद्र में आने के लिए, जहां पर आरएसएस काम करती है निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अनिवार्य वोटिंग और विपक्ष की भूमिका में हम बहुत बड़ी वहां पर मजबूती से बात रखने का हमको अधिकार है। जी जी, ये तो लोगों के साथ में इस तरीके से किसी को प्रेशराइज किया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी अभी तो न्यूज चैनल के माध्यम से विरोध कर रहे हैं, हम सड़कों पर भी उतरकर इसका विरोध। जी जी, आपके पास खुला विकल्प है विरोध करने का। जगदीश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, बीजेपी की से ही आवाज आ रही है कि अगर बीजेपी इस तरह का दबाव बनाती है नागरिकों पर उनके मताधिकार को लेकर तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है। देखिए, हमें उसकी चिंता नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि सब लोग वोट डालने के लिए आए। यदि आप आएंगे वोट डालने के लिए, यदि आपको वोट नहीं डालना, कैंडिडेट को कोई पसंद नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी व्यवस्था कर दी है, आप जाकर के नोटा पर अपना स्टैंप लगा सकते हैं, अपना बटन दबा सकते हैं नोटा। इसका मतलब हर एक व्यक्ति की एक ओपिनियन वहां पर आ जानी चाहिए। ये जो सज्जन बात कर रहे थे कि एक एक धर्म विशेष के लोगों पर दबाव डाल के किया जाता है, ये तो आपको अच्छा स्वागत करना चाहिए। धर्म विशेष हो या कोई हो, विशेष ना हो, सभी के लिए होगा। हम तो सबके लिए कह रहे हैं आप आकर के वोट डालिए, दबाव ये होता कि वोट ना डालने दें, हम तो ये कह रहे हैं स्वागत कर रहे हैं, आप आइए कंपलसरी वोट डालिए। आपकी जहां जहां चली आपने वो भी किया है मुखी जी, जहां जहां आपकी चली है, जहां जहां आप करने में सक्षम रहे आपने वो भी किया है। हम तो प्रेरित कर रहे हैं, आप जिस बात की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में परिवर्तन कब आया, कौन सी पार्टी लाई, कौन सा व्यक्ति लाया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। संविधान में परिवर्तन हो गया, नहीं मानते हो ना कि राजीव जी ने अधिकार दिया, उसका स्वागत करते हैं आप, ये तो मानते हो ना अधिकार राजीव जी ने दिया। संविधान में जो भी है जी सबको जानते हैं, हर एक को आदर करना चाहिए और हम आदर करते हैं उसका। मोहन बाबूजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, अभी चर्चा शुरू होने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्यों ना इसे ड्यूटी की तरह माना जाए कि एक सिटीजनशिप की ड्यूटी होनी चाहिए तभी वो जा सकते हैं, बल्कि उसको एक राइट बनाने की अपेक्षा। देखिए, अगर ड्यूटी की जहां हम बात करते हैं तो उसके साथ साथ ये वोटिंग राइट के साथ साथ बहुत सी और चीजें ऐसी हैं जो पहले ड्यूटी में आनी चाहिए। लेवलीहुड है, राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है, ये बहुत सी चीजें हैं। अगर हम राइट टू एजुकेशन दे देंगे तो लोग अपने आप ही वोट करने की तरफ भागेंगे। जैसे अभी माननीय मुखी जी ने ये किया, कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन ने बहुत प्रयास करके 35% से 70% पर ले आए वोटिंग राइट। बहुत अच्छी बात है, 70% पर ले आए, 100% हो जाए,
लेकिन इस वोट के साथ साथ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आदमी के लिए उसकी रोजमर्रा की जरूरतों के पूरी करने के लिए बहुत जरूरी हैं। अभी देश में हमने देखा बहुत सी चीजें हैं, लोग भूखे मर जाते हैं, लोगों को रहने की जगह नहीं मिलती, लोगों को पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती। अगर हम साथ साथ उसके चीजें भी करें तो लोग इन चीजों की तरफ अपने आप आ जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे कि भाई हमें वोट भी करना है और ये सरकारें हमें, जो भी सरकार आती है, हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं बात करते हैं, जो भी सरकार आती है उस सरकार से हमें अगर ये फायदा मिलता है तो क्यों ना हम उसकी बात मान के हम इस वोट के लिए भी आगे आ जाएं। जी तो बिल्कुल, तो यहाँ पे हम राय जान रहे हैं बीजेपी की क्या राय है, कांग्रेस की क्या राय है और संविधान हमारा क्या कहता है इस पूरे मसले को लेकर। लेकिन इसी बीच जिसके लिए अनिवार्य किया गया है यानी कि जनता के लिए, जनता का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवाते हैं। एक अच्छी सरकार का निर्माण हो और पब्लिक का भला हो, ऐसी सरकार आए तो वोट डालना बिल्कुल कंपलसरी कर देना चाहिए। ऐसा काउंसलिंग करना चाहिए कि वो खुद आगे होके जाए। और अभी कुछ ही हाल ही दिनों में पढ़ा था कि वो एक टोकन सिस्टम हो जाएगा, टाइम ले सकते हैं वोट डालने के लिए, तो वो भी चीज़ अच्छी है और उनको जाना चाहिए, अधिक से अधिक वोट डालना चाहिए। कंपलसरी करेंगे तो अपनी अच्छी सरकार का निर्माण होता है, अच्छी सरकार आती है और जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी उतना अच्छा चुनाव का प्रतिशत आता है, सरकार अच्छी बनती है। कंपलसरी तो होना चाहिए, फिर तो जाएंगे और सब पता भी लगेगा कि कितने लोग वोटर हैं और कितने वोट पर मतलब किस पार्टी को गया कंपलसरी होने से। इतनी बड़ी बात है कि कोई प्राइम मिनिस्टर हमारी वोट से बन रहा है, हमारी पूरी सरकार वोटिंग से चल रही है, तो कंपलसरी तो होना चाहिए ना, हर किसी को वोट डालने ज़रूरी जाना चाहिए। हमेशा अगर वोट नहीं डाला तो हमेशा यही जो हैं नेता लोग यही चलते रहेंगे, अब अच्छे बुरे की फिर पहचान ही नहीं होगी। अब आज कोई गलत है अगर वोट डालेंगे तो उसको हटा तो सकते हैं, कम से कम दूसरे इंसान को तो बिठा सकते हैं वहाँ पे। वोट डालना तो कंपलसरी होना चाहिए बिल्कुल। जनता की यही राय है कि एक मजबूत कदम है और इसमें किसी भी बात का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। विदित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदित जी आपने भी सुना, हर किसी का यही मानना है कि एक ऐतिहासिक कदम है, इसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि ये एक अच्छी बात है, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्यों इसका विरोध कर रही है? मैं एक चीज पाठक जी यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बहुत सारे स्टेटों में प्रैक्टिकल नहीं है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि आप किसी स्टेट का चुनाव करते हैं, गुजरात की मैं बात कर लूँ, गुजरात का जब पंचायतों का चुनाव होगा या अभी कोई भी जनरल इलेक्शन होगा तो सिर्फ गुजरात में छुट्टी होगी और जो एडजॉइनिंग स्टेट होते हैं बहुत सारे लोग वहां पर काम करने के लिए दूसरे स्टेटों में जाते हैं। दिल्ली नोएडा को उदाहरण दे लीजिए कि नोएडा में चुनाव होता है तो दिल्ली खुली रहती है और बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं, ऐसे दिल्ली का चुनाव होता है तो नोएडा में संशोधन, ऐसे लोगों के भी प्रावधान है, ऐसे लोगों के भी प्रावधान है। यहाँ पर आप संतोषजनक जवाब देते हैं कि आप किस कारण से नहीं आ पाए तो आपको जुर्माना नहीं दिया जाएगा। संतोषजनक जवाब यहाँ पे भी पार्सल्टी होगी, संतोषजनक जवाब ड्यूटी करने के लिए क्वेश्चन है। यदि वो ये कहता है कि मैं ड्यूटी करने के लिए गया तो ये कहेंगे ड्यूटी करने के लिए क्यों गए, आपने वोट कंपल्सन क्यों नहीं करा, आप पे पेनल्टी लगाई जाती है। दूसरी चीज देखिये जो गुजरात गवर्नमेंट है, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो गुजरात गवर्नमेंट कंपल्सन वोट का वहां पर कर रही है, क्या गुजरात गवर्नमेंट इसका दावा करती है कि वहां पर 100% वोटिंग जो बनी हुई है वो सच्चाई में बनी हुई है, वहां पर पारदर्शिता है, जो वोटर है वो तीन तीन जगह इनरोल नहीं हो रखे हैं, क्या इस चीज की भी गारंटी है? और यदि वो तीन जगह इनरोल हो रहे हैं तो इसके खिलाफ वो वोट तो एक ही जगह कर सकता है और तीन जगह यदि वोट नहीं करी तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, क्या इसके लिए भी क्या प्रावधान है? सबसे पहली बात देते हैं आप, सबसे पहली बात तो वैसे ही निकल के चली आएंगी। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर उनकी प्रिपरेशन ही नहीं है, जहाँ पर उनकी तैयारी नहीं है, ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राइट टू एजुकेशन की बात अभी अगर अगर ये तैयारी राइट टू एजुकेशन पे मैं कहना चाहता हूँ जी, यदि तैयारी करके पूरे पूरी तैयारी के साथ यदि सरकार आए तो आपको विरोध नहीं होगा? नहीं नहीं, मैं एक चीज कहता हूँ कि ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए, पारदर्शिता से होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कोई भी चीज थोपनी नहीं चाहिए, स्वेच्छा पे छोड़ देनी चाहिए। आपने अभी जिन लोगों को दिखाया इंटरव्यू में वो लोग कह रहे हैं कि हाँ हमको वोट देने का ये तो अधिकार है और हर किसी आदमी को अधिकार है और स्वेच्छा है कि वो अपने अधिकार, लेकिन थोपा नहीं जाना चाहिए, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी चीज राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, गुजरात में दूसरे बड़े मुद्दे हैं, आज गुजरात जल रहा है, जिस तरीके से वहां पर एजुकेशन का पोलराइजेशन हो रहा है, 98 के बाद में कोई भी सरकारी स्कूल गुजरात में खोले नहीं गए, उन पर ध्यान नहीं है, उन पर ध्यान नहीं है, आपको दूसरे चीजों पर ध्यान है। ऑनलाइन मतदान की शुरुआत भी गुजरात से ही हुई थी और अब एक
नई शुरुआत गुजरात से होने जा रही है तो हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। मुकेश जी से यहाँ मैं पूछना चाहूंगी, मुकेश जी, जिस तरह से अगर हम ऑनलाइन मतदान की बात करें तो उसकी शुरुआत भी सबसे पहले गुजरात ने ही की थी, तो क्या माना जाए अब जब शुरुआत हो जाएगी वोटिंग अनिवार्य करने की तो असेंबली या फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हम इसे देख सकते हैं? श्रेया, देखिए जिस तरीके से विरोध भी हो रहा है और विरोध पहले भी हो रहा था तो मुझे लगता है कि अभी स्थानीय निकाय के स्तर पे जो है सरकार इसका प्रयोग कर रही है। ये प्रयोग यदि सफल हुआ और असली विरोध ये पॉलिटिकल पार्टी के विरोध को लेकर के उतना गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है, जनता में इसका किस तरीके से प्रतिक्रिया आती है, इस चुनाव के रिजल्ट के बाद जो है जनता की प्रतिक्रिया सामने आएगी और उसके हिसाब से ही फिर आगे डिसीजन लिया जाएगा। जहां तक मुझे जानकारी है अपने लोगों से, अपने सोर्स से जो मैंने पता किया है, ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको लिया जा रहा है और अगर यहाँ पे सफल होता है ये प्रयोग तो आगे भी इसको दूसरे चुनाव में भी लाया जा सकता है। लेकिन हालांकि इसमें संवैधानिक मजबूरियां हैं, आप जो है सीधे तौर से केंद्र में आप इसको नहीं ला सकते हैं। मोहन बाबू हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि क्या क्या संवैधानिक मजबूरियां आएंगी यदि आप इसे विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में यदि आप इसे बाधित करने के लिए जाएंगे तो किस तरीके की बाध्यता होंगी और किस तरीके से कानून बनाने में अड़चनी आएगी। मोहन बाबू मेरे ख्याल से इसको साफ कर पाएंगे ज्यादा अच्छी तरीके से। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे पिछले चुनावों में कुछ ये सुनने को मिला, दिल्ली में ही हमने देखा यहाँ पर कि बहुत से वोटर आईडी कार्ड्स नाले में पड़े मिले और एक एक वोटर के चार चार आईडी कार्ड मिले। तो सबसे पहले तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक वोटर का एक ही आईडी कार्ड बने। और ये वोटर आईडी कार्ड कैसे बने, दूसरी चीज़ ये आती है कभी भी जैसे किसी की डेथ हो गई तो वो उसका वोटर आईडी डिलीट नहीं होता, वो चलता रहता है। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया, मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्थानीय निकाय की तरह विधानसभा चुनाव में अगर सरकार चाहे जो वोटिंग अनिवार्य किया जाए या लोकसभा चुनाव में चाहे संसद से कानून पारित करा के करे तो क्या इसमें अड़चने आएंगे? क्या ये संसद से कानून, देखिए एक संविधान की जो ओरिजिनल स्वरूप है उसका उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। संसद में कानून पारित होना एक ठीक है, पारित हो जाएगा लेकिन उससे ओरिजिनल उसका जो संविधान का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो उससे छेड़छाड़ मानी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, सरकार को, कोई भी सरकार हो उसको ये करना चाहिए कि लोगों का विश्वास जीतें। लोगों को जैसे इलेक्शन कमीशन ने बार बार अपना कैंपेन करा किया, लोगों के विश्वास जीत गया। मूल ढांचे से छेड़छाड़ होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जाते हैं तो वो कानूनी प्रक्रिया होंगी, इतने जगह जगह केस हो जाएंगे कि लोग सारा सरकार है और ये सब लोग कोर्ट कचहरियों में, इतना बोझ बढ़ जाएगा। वैसे आज मुकदमों का इतना बोझ है कचहरियों में। जी जी, जगदीश मुखर्जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, यहाँ पर जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं और एक समिति भी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष बनाया गया है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को, कि कितनी गारंटीज की मानी जाएगी जो जनता सुझाव देगी, अगर जनता इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसे फॉर्मुलेट भी किया जाएगा, उसे रेगुलेट भी किया जाएगा? देखिए मैडम, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा जी। एक तो यहाँ बात कही गई कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपना परसेंटेज बढ़ जाएगी वोट की, ये मिथ है केवल मात्र। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ दिल्ली का। दिल्ली के अंदर जहाँ पर कोठियों वाले हैं, जहाँ पर हाई जेंट्रीज हैं, सब कुछ उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सबसे पोल परसेंटेज कम वहीं से होता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं उसके। मैं इससे सहमत हूँ कि राइट टू एजुकेशन है, हर एक को एजुकेशन मिलनी चाहिए, राइट टू फूड है, हर एक को फूड मिलना चाहिए, किंतु फूड मिल जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा और अपना आप ये पोल परसेंटेज बढ़ जाएगी, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसका उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आज गुजरात सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कंपलसरी करके वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है, उसे उस दृष्टिकोण से लिया जाना चाहिए क्रिटिसाइज करने की बजाय। ये आफ्टर ऑल एक छोटे से चुनाव वहां पर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, उसके कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं सबके सामने आ जाएंगे। यदि खराब रिजल्ट आते हैं तो कंसीडर किया जा सकता है, अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो पॉजिटिवली कंसीडर किया जा सकता है। यानी कि आप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, बीजेपी के लिए ये रिस्क भी साबित हो सकता है जनता इसे पूरी तरह से नकार दे, तो रिस्क और एक्सपेरिमेंट दोनों है आपके लिए, पता लग जाएगा ना जी। नहीं, फिर चिंता किस बात की है, यदि नकार देंगी तो आपके सामने आ जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये स्वागत योग्य है और यदि ये एक्सपेरिमेंट फेल होता है उसके बाद रिव्यू किया जा सकता है। ऐसे कई देश भी हैं मुकेश जी जिन्होंने पहले ये लागू किया उसके बाद उन्होंने, लेकिन कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो है अपने यहाँ इसको लागू नहीं किया, ना यूरोप में है, ना अमेरिका में है, ना ही चाइना में है, ना रसा में है। ये तो बात की बात है। विदित जी, लोकतंत्र में वोट से आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको ये चीजें पसंद नहीं है तो आप रिजेक्ट करने के लिए भी तो आप जा सकते हैं पोलिंग बूथ में। इतना ही तो कहना है कि आप जाइए,
और मुझे रिजेक्ट कीजिए, मुझे खारिज करने के लिए ही सही, लेकिन आप पोलिंग बूथ तक जाइए, तो कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? नहीं, यहाँ पर कई सारी चीजें निकल के आई हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉल वोटर मशीनों के नई नई स्टोरियां और नई नई, हालांकि अभी ऑथेंटिक हुआ नहीं है, लेकिन कई जगह की रिपोर्ट्स आई हैं कि उन पर भी लोगों का विश्वास इलेक्ट्रॉनिक मशीन से उठा है। ई वोटिंग का मामला पूरा सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है, और सोशल मीडिया और आईटी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से चुनाव से पहले भी आ रही थी, तो उस समय आप ही लोग इसको आईटी के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी या देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इस पर भी मैं समझता हूं कि एक डिबेट होनी चाहिए। जिस तरीके से नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करके और नई तकनीक के रूप में सत्ता को अपने हाथों में रखना चाहते हैं, लोगों को बलगराना चाहते हैं। यदि इनको कराना है तो बैलेट पेपर पर करा के एक्सपेरिमेंट भी करें ना गुजरात में, तो अच्छा रहेगा। कराना चाहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बैलेट पेपर से भी आप देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट ये भी हो जाएगा। नहीं, बैलेट पेपर पे तो हो ही रहा था ना विदित जी, ये तो हम लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं, पीछे बढ़ने की बात कर रहे हैं। बैलेट पेपर पे कराना चाहते थे एक्सपेरिमेंट, उस पे करें ना, ये ई वोटिंग सॉफ्टवेयर, नए नए डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये सारी नई सॉफ्टवेयर डिजाइन करके जो लेके आ रहे हैं, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है और इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। मोहन बाबूजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन बाबूजी, जब दो बार राज्यपाल कमला बेनीवाल के पास में से भेजा गया तो उन्होंने दोनों बार ही रिजेक्ट किया गया, उसमें उन्होंने तीन कारण दिए थे, जिसमें कि एक ये था कि अगर सजा का प्रावधान इसमें रखा जाता है तो वो संविधान सम्मत नहीं होगा। तो जब संविधान सम्मत नहीं है तो फिर क्या सजा दी जा सकती है इसमें? देखिए, मैं पहले भी आपको अभी बता चुका हूँ, जब ये संविधान में हमारे है ही नहीं कंपल्सन बोर्ड का, तो सजा का तो कहीं प्रावधान आता ही नहीं है जी। तो जब हमारे यहाँ कंपल्सन बोर्ड का ही नहीं है तो सजा का प्रावधान तो कहीं होता ही नहीं है। तो मैं क्योंकि राजनीतिक रूप से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल संविधान की और कानून की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो भी किया उसका कॉज दिया, और जो दूसरे गवर्नर साहब आए उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया ये समझ में नहीं आता, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप उसको वोटिंग राइट कोई कंपल्सरी कर सकें जी। जगदीश जी, इसका मैं उत्तर लेना चाहूंगी, आखिरकार जब संविधान सम्मत है ही नहीं इस तरह के कानून के अंतर्गत सजा देना, तो फिर कैसे हो सकता है? और जब एक पहला राज्यपाल मना कर रहा था तो दूसरे राज्यपाल को ऐसा क्या दिखाई दिया जो उन्होंने फटाफट उसको मंजूरी दे दी? नहीं, आप ये कैसे मान रही हैं कि पहले राज्यपाल जो कहा था वो तो विधान सम्मत था, और जो दूसरे उन्होंने तीन कारण दिए थे इसके लिए, दोनों की अपनी अपनी ओपिनियन है, उन्होंने तीन कारण बताए थे। मैं फॉर्मली इस बात की हामी भरता हूं जी, इस बात का हामी हूं कि हमारे यहां संविधान में हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम तो लोकल इलेक्शन के अंदर वोट परसेंटेज बढ़े इसके लिए सबको इनकरेज करने के लिए कंपलसरी कर रहे हैं। इसमें आपको ये नहीं करे कि आप में किसको जाके वोट डालना है, लोकल इलेक्शन में तो हमेशा बढ़ता ही है, आपने नोटा के ऊपर वोट डाल के आए, किसी को वोट डाल के आए, किंतु आपका संवैधानिक अधिकार है, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, इसी के लिए कर रहे हैं ना, इसमें नेगेटिविटी कहां से आ गई? इसमें तो पॉजिटिव थिंकिंग है और विशफुल थिंकिंग है कि हर व्यक्ति हमारे देश का जो नागरिक है और वो हर 18 साल का जो युवक है उससे ऊपर के सभी लोग अपना वोट जाके डालें, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है किसी को? बिल्कुल। और यदि नहीं डालते, मैंने एक चीज और भी है, पिछले छुट्टी दी जाती है इस बात के लिए, पूरा दिन आपकी छुट्टी है, आप छुट्टी को एंजॉय करते हैं और उसके एक हॉलिडे के रूप में मानते हैं, वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं, ये वाजिब नहीं है, इसको चेक करने के लिए इस प्रकार की विधान लाया जा रहा है जी। यही बात नरेंद्र मोदी ने भी कही है कि क्या 5 साल में आधा घंटा कोई भी नागरिक अपने देश के लिए नहीं निकाल सकता है, इस तरह की बातें उन्होंने की है। एक चीज जानना चाहूंगा आपसे अग्रवाल जी, कि राज्यपाल कोई भी चीज को अगर एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करता है तो उनके लिए वो अपने मन से कहते तो हैं, तो विवेकाधिकार है उनको, लेकिन वो अपने लीगल जो सलाहकार हैं उनके, उनसे सलाह लेने के बाद ही ऐसा करते हैं। दोनों बिल्कुल पूरा लीगल डिपार्टमेंट होता है, और दोनों राज्यपालों ने अपने लीगल जो उनका डिपार्टमेंट है उनसे सलाह लेने के बाद ही, ये सलाह मशवरा के बाद ही ये डिसीजन लिया है। तो कानून में जरूर जो लोग वहाँ उनके सलाहकार हैं, कानूनविद हैं, उनके पास तो जरूर कोई आर्गुमेंट हुआ होगा, उस आर्गुमेंट के आधार पे ही इन्होंने रिजेक्ट भी किया, उसी आर्गुमेंट के आधार पे सेलेक्ट भी किया। यानी कानून में ऐसे प्रावधान है जो उनकी व्याख्या अपने अपने तरीके से लोग करते हैं। आप क्या मानते हैं? आपने पहली बार कहा, जो हम अपनी राइट की बात तो करते हैं लेकिन जो ड्यूटीज है हमारी, उस ड्यूटीज की बात नहीं करते हैं। ड्यूटीज के प्रति संविधान भी ये मौन है यहाँ पे कि अगर आप ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है। तो क्या इसको राइट की जगह इसको अगर ड्यूटी बना दिया जाए तो क्या आपत्ति है इसमें? ड्यूटी
ड्यूटी बना देंगे तो कंपल्सन हो जाएगा, हर आदमी वोट देना जाना पड़ेगा उसको, ड्यूटी है देश के प्रति, उसके लिए ड्यूटी में कंपल्सन है आदमी को, उसको ड्यूटी को अपनी पूरी करना, या फिर ऐसा कर दिया जाए ड्यूटी आप पूरी नहीं करते तो कोई सजा का प्रावधान तो नहीं है, तो फिर तो वो गवर्नमेंट उसके लिए संविधान में कुछ चेंज कर सकते हैं, वो उसके लिए फिक्स भी कर सकते हैं ड्यूटी अगर आपने फुलफिल नहीं की, लाइक जैसे कोई गवर्नमेंट अगर सरकारी नौकर है कोई और उसके लिए उसकी भी ड्यूटी होती है अपनी सर्विस के प्रति कुछ, तो उसमें जब ड्यूटी नहीं होती है तो इंटरनल वो कुछ जो भी है उनके नहीं, सामान्य नागरिक की बात करें आप, किसी सरकारी कर्मचारी की बात नहीं, ये सब चीजें आती है ड्यूटी में, ड्यूटी की बात करते हैं हम, ड्यूटी में ये सारी चीजें आती है, ये सामान्य नागरिक के लिए भी है, अगर ड्यूटी अगर वो फुलफिल नहीं करता तब सरकार ये कर सकती है प्रावधान के भाई हम 100 रुपए का जुर्माना लगाएंगे, 200 का लगाएंगे, 300 का लगाएंगे, ड्यूटी में तो कंपल्सन है उसको, हो गया ना ये आप जो कह रहे हैं कानून सम्मत नहीं है, ये तो संविधान सम्मत भी हो गया कानून सम्मत भी हो गया, नहीं क्योंकि ड्यूटी नहीं है ये उसकी, ये हमारा मत अधिकार है, हमें अधिकार दिया गया मत करने का, अगर हम कोई पब्लिक का आदमी अगर उसको अपना यूज करता है उसकी मर्जी है, वो उसको नहीं यूज करता है तो कंपल्सन नहीं है उसके ऊपर कोई भी। विदित जी आप विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है, क्या कोर्ट में जाएगी रोकने के लिए? मैं एक चीज कहता हूँ कि जिस तरीके से जगदीश मुखी जी ने यहाँ पे बोला कि पंचायतों के चुनावों में वोट परसेंटेज बढ़े इसलिए हम अनिवार्य कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश के उदाहरण उठा के देख लीजिए, आंकड़े उठा के देख लीजिए कि जहाँ जहाँ पंचायत का चुनाव होता है, लोकल बॉडी का चुनाव होता है, वो गाँव के और मोहल्ले के और परिवार का चुनाव बन जाता है, और हर एक पंचायत के चुनावों में दूसरे विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव हो उनसे ज्यादा वोटों परसेंटेज पंचायतों के चुनावों का अपने आप रहता है, क्योंकि वो गांव के लोकल चुनाव हो जाता है, पंचायतों का चुनाव हो जाता है। अब इस पर यह तथ्य देना कि पंचायतों में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो इसलिए हम ये कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत चीज है, ये लोगों को भटकाना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, और मैं पहले भी कर चुका हूँ कि जो संभव प्रयास होंगे कांग्रेस पार्टी वो संभव प्रयास करेगी कि कोई भी आदेश लोगों पर ना थोपा जाए। विदित जी ये जो प्रावधान लाया जा रहा है प्रयोग के तौर पे लाया जा रहा है निकाय चुनाव में, यदि वहाँ सफल होता है तो आगे भी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, और कांग्रेस यदि विरोध कर रही है ना, कांग्रेस यदि विरोध कर रही है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो क्या आप केवल बात करने के लिए टीवी स्टूडियो में विरोध कर रहे हैं या सही में आप कोर्ट में जाएंगे? करने वाली बात है तो गुजरात में बहुत सारी चीजें अधूरी पड़ी हुई है, उन पर ये नहीं, प्रयोग करें, जानना चाहता हूं उन पर ये प्रयोग करें, यदि उन पे काम करना चाहते हैं उन पे काम करें, 15 साल पहले मेट्रो की घोषणा हुई थी वो प्रोजेक्ट खाली पड़ा हुआ है, मेट्रो का प्रोजेक्ट फिर आप भटका रहे हैं, दूसरी वाली बात है, आप प्रयोग करने वाली बात है तो राइट एजुकेशन गुजरात में लागू नहीं हो रहा, उन पे लागू करें। जगदीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सारे प्रयोग गुजरात में हो रहे हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं। जगदीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी जगदीश जी, एक मुद्दा है सीधा सीधा कि वहां पर कंपलसरी कर रहे हैं वोटिंग को, इसी बात पर डिस्कशन होना चाहिए। नहीं मुखी जी कह रहे ना पंचायतों के चुनाव में ज्यादा परसेंटेज करना चाहते तो पंचायत के चुनावों में तो अपने आप ही परसेंटेज ज्यादा होता है, पूरे देश के उदाहरण उठाए ले लीजिए, ठीक है परसेंटेज ज्यादा होता है और ज्यादा हो के अंदर सब केवल पंचायत का नहीं होता है, क्या जरूरत है सारे निकाय है आप उसी के अंदर, ये आपके आंकड़े जो दे रहे हैं भ्रमित करने वाले आंकड़े दे रहे हैं, आप डिस्कशन करना नहीं चाहते, कोई आर्गुमेंट देना नहीं चाहते, आप केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं केवल। मुखी जी ये सवाल आपसे भी है, बैठे हुए आपको चाहिए कि आप इस पर अपने आर्गुमेंट दें, प्लस के माइनस दें, प्लस दें, बात समझ में आती है, किंतु आप केवल राजनीति की बात कर रहे हैं। उदाहरण में दे रहा हूँ दिल्ली के कॉर्पोरेशन चुनाव देख लीजिए और लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, कॉर्पोरेशन के चुनाव में ज्यादा वोटिंग होती है, 100% पोलिंग करने की बात की जा रही है, ज्यादा चुनाव तुलनात्मक रूप से होता है, थिंकिंग के साथ आए हैं कि ज्यादा हो गया तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता, थिंकिंग के साथ आए हैं हम ये। जगदीश मुखी जी अभी आपने कही बात की विदित जी को जो आप चर्चा करना नहीं चाहते, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या बीजेपी ने इस कानून को लाने से पहले, इसे अनिवार्य करने से पहले राष्ट्रीय स्तर पे कोई चर्चा की? क्या आपको लगता था कि चर्चा करनी चाहिए, जनता की राय पहले लेनी चाहिए? हर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, गुजरात में किया गया है, गुजरात में भी कोई चर्चा नहीं हुई, किया गया है राष्ट्रीय स्तर, गुजरात में भी कोई चर्चा नहीं हुई मुखी जी, गुजरात में किया गया, गुजरात में पिछले 2-3 साल से चर्चा हो रही है, कोई चर्चा नहीं हुई, लगातार आप ही कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी जो यहाँ पर लेकर रिजेक्ट किया है, पहले 2 बार रिजेक्ट किया है ना, 2 बार रिजेक्ट हुआ ना, विरोध हुआ, विरोध हुआ इसका विधानसभा के अंदर, 2 बार रिजेक्ट हुआ, उसके बाद तीसरी बार वॉकआउट किया, और वॉकआउट करने के बाद आपने पारित कर दिया, आपने गवर्नर ने विरोध किया था, राजनीतिक कारणों से विरोध किया था उन्होंने, जैसे आप विरोध कर रहे हैं, नहीं 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 राजनीतिक कारण नहीं है, विधानसभा में 2 बार विरोध हुआ, मना हुआ, तीसरी बार भी विरोध हुआ, आप गुजरात की जनता पर छोड़ दीजिए ना, इस बार एक्सपेरिमेंट है, पता लग जाएगा आपको, यहाँ पे फिलहाल एक समिति
समिति जो बनाई गई है जो कि जनता से उनके सुझाव लेगी और जनता जो सुझाव देगी उनको किस तरह से लिया जाता है वो फिलहाल अभी भविष्य के गर्त में होगा। फिलहाल हम अपने सभी मेहमानों से मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी कि जो वोटिंग को अनिवार्य किया गया है ये कितना जायज है और हमारा संविधान क्या कहता है और लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं और इसका कितना असर होगा। शुरुआत में मोहन बाबू अग्रवाल जी से करना चाहूंगी। जी सर, जो कानून तो ये कहता है कि हमारा ये कंपलसरी नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हम करें या ना करें, लेकिन अगर प्रैक्टिकल हम बात करें और अपने देश की स्थिति देखते हुए सारी बात करें तो ये अच्छा एक प्रयास हो सकता है, लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी कमी जो जोड़ी गई है वो पेनल्टी की जी। उससे लोगों एग्रेसिव हो जाते हैं लोग कि हमें अगर नहीं दिया किसी भी कारण से मजबूरी में, जैसे बहुत सी चीजें होती हैं आदमी के नहीं आया तो वो उसके साथ या तो को आपने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगाते लगाते अपना वो जवाब देते हुए सबको ये थक जाएंगे कि भाई हमने क्यों नहीं अपियर हुए, हम क्यों नहीं हमने वोट किया अपना। अच्छा प्रयास है, होना चाहिए लोगों में, लेकिन जो सिस्टम है उसको सरल किया जाए, थोड़ा सरल किया जाए और लोगों में इसका विश्वास जगाया जाए बिल्कुल कि भाई अगर आप वोट देंगे तो हमारे को आपको क्या फायदा होगा और देश को क्या फायदा हो सकता है जी, अगर हम कानून से अलग हटके बात करते हैं तो। बिल्कुल जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी बस लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। परंपरागत तौर पर ये देखा गया है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को इसका फायदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसे थोप देते हैं लोगों पर तो क्या लोग इसे मजबूरी भी लेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है बीजेपी को? देखिए हमारा ये कभी दृष्टिकोण नहीं है कि हमें लाभ होगा या नुकसान होगा, हमें तो केवल ये देखना है कि देश के अंदर जैसा श्री मोदी जी ने कहा है ये कह रहे अधिकार है, मैं समझता हूँ ये कर्तव्य भी है, जब आपको अधिकार दिया गया तब आपकी ये ड्यूटी है आप जाकर के वोट दें, जब आपको पूरे दिन की छुट्टी दी जाती है आप आधा घंटा वोट डालने नहीं जाते, क्या ये ड्यूटी नहीं बनती हमारी? हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं किंतु जो हमारे वोट देने का अधिकार है वोट देने के लिए जाना नहीं चाहते, तो इसलिए ये कंपलसरी करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और वहां पर कामयाब होगा तो बिल्कुल सही बात। मैं आपसे सहमत हूँ, प्रक्रिया सिंपल रखनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए और लोगों का विश्वास जीतना चाहिए कि आपको क्या नुकसान है इससे और क्या इसको फायदा हो सकता है और आपके वोट देने से क्या देश को फायदा हो सकता है, ये लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। और आपने इतना किया सरकारों ने इतना किया कि जो 35% वोटिंग होता था वो आज कश्मीर में भी 70% वोटिंग पे चला गया जबकि वहाँ पर थ्रेट तो नहीं है, हमें चुनाव आयोग को देना तो ये सब विश्वास की बातें हैं क्या? 70 गया, हम चाहते हैं 100% पर जाए जी। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा इससे। विदित जी हमारे से जुड़े हुए हैं। विदित जी बताइए, ड्यूटी की बात हो रही है कि एक नागरिक की ड्यूटी बनती है, आखिरी कमेंट क्या चाहेंगे, विरोधी करेंगे या कुछ इसे? इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया और उसके माध्यम से वोट परसेंटेज बनाया, इसके लिए वास्तव में बधाई के पात्र इलेक्शन कमीशन है। मैं और भी बात कहना चाहता हूँ, शॉर्ट में ही कहना चाहता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, हर एक आदमी अपना मत का प्रयोग करे, लेकिन उस पर ये थोपा ना जाए, उसके लिए शर्त ना लगाई जाए, इसका विरोध हम करते हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़े इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन यदि उस पर पेनल्टी और थोप के और दबाव के कारण वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो इसका विरोध करते हैं। जी मुकेश जी हमारे साथ बहुत लास्ट में। बिल्कुल श्रेया, जैसा कि जगदीश मुखी जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे कि ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अधिकार का प्रयोग करें, जो हमारा मताधिकार हमको हमें संविधान ने दिया है हम उसका प्रयोग करें। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस जो ये जो पहल है गुजरात सरकार की, मैं इसका स्वागत करता हूँ जी। तो अब फिलहाल देखना ये होगा कि अनिवार्य कर दिया गया है लेकिन जनता इसे किस तरह से लेती है और आने वाले चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा और जनता जो सुझाव देगी उसको सरकार कितना मानती है, ये तीन ऐसे पहलू होगा जिस पर देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ मैं शुक्रिया करना चाहूंगी अपने तमाम मेहमानों का जो कि हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े थे। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में भी फिलहाल के लिए बस इतना ही, छोड़े जाते हैं आपको पब्लिक पंच के साथ। दिग्विजय सिंह के अचानक सीने में दर्द होने लगा। उन्होंने पास बैठी अपनी पत्नी से कहा, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस के लिए फोन मिलाओ। पत्नी ने कहा, ठीक है, आप अपने मोबाइल का पासवर्ड तो बताओ। इस पर दिग्विजय सिंह बोले, अब रहने दो, थोड़ा ठीक लग रहा है, सोचता हूँ शाम को खुद ही डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। एक बार शेर खां को मुगलों ने पकड़ लिया और उसे अकबर के पास ले गए। अकबर ने कहा, इसको बंदी बना दिया जाए। शेर खां ने अकबर से रहम की भीख मांगते हुए कहा, नहीं नहीं जहां पना, रहम करो, मुझे बंदा ही नहीं।